हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जॉन डियर ट्रैक्टर के क्लच के बारे में वीडियो देखेंगे। ये ट्रैक्टर ड्यूअल क्लच है और इसके अंदर कहीं से पानी घुसने के कारण इसके सभी सिस्टम में जंग लग गया है और ये सब वर्क नहीं कर रहा है। उसका बेरिंग भी जाम हो गया है और उसका जो क्लच का फिंगर है वो सब फिंगर भी जंग लगने के कारण काम नहीं कर रहे। उसके हिसाब से ये क्लच ऑपरेट नहीं हो रहा है। ये इसके जो फिंगर है वो दो फ्री है, बाकी के सब को जंग लग गया है और वो जाम हो गए। दोस्तों, आगे वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लच का पैंडल दबा के हम इसको फ्री करने का कोशिश करेंगे, लेकिन ये ऑपरेट ही नहीं हो रहा है। इसका इतना जंग लगा है कि वही हाथ से निकलने का कोई चांस ही नहीं। तो अब हम इसको कुछ जुगाड़ करके निकालने की कोशिश करेंगे। हम इसको बहुत थोड़ी ऐसे दोनों तरफ से हम दबाएंगे ताकि ये इसमें से फ्री हो गए। अब ये फ्री हो गए, इसको हम धीरे से निकाल लेंगे। हम क्लच के फिंगर में ऑयल डाल के उसको फ्री करेंगे ताकि उसके जो प्रेशर प्लेट है उसका बोल्ट लूज हो जाए तो क्लच प्लेट फ्री हो जाता है। तो प्रेशर प्लेट के सभी बोल्ट को फिंगर को मारेंगे थोड़ा तो अंदर से ये बोल्ट फ्री हो जाएंगे और ये फ्री होने के कारण प्रेशर प्लेट से क्लच प्लेट फ्री हो जाएगा और ऑपरेट पूरी तरह होगा। क्लच बेरिंग के हाउसिंग को तो निकाल दिया, पर क्या ये इसका जो चांद है उसका ये थोड़ा सा ऑपरेट होना चाहिए इसी की तरह, लेकिन क्या ये मेन क्लच का तो ऑपरेट ही नहीं हो रहा है। इसको भी हमने अंदर से बाहर निकाल दिया ताकि इसको ग्रीस और ऑयल लगा के अच्छे से सर्विस कर सके, क्योंकि अंदर शॉर्ट जगह में अच्छी तरह फ्री नहीं कर सकते थे इसको। देखो, ये ऐसे हाथ से फ्री होना चाहिए, ऐसे घूमना चाहिए, तो ही क्लच बेरिंग के हाउसिंग को ऑपरेट करेगा और जो टाइट हो गया तो ऑपरेट नहीं होगा। इसको दोनों तरफ से फ्री कर दिया, ये दोनों अच्छी तरह ऑपरेट होने लगे। अब इन दोनों को हम फिट कर देंगे और उसको हाउसिंग में अच्छी तरह बिठा देंगे। दोस्तों, हम जब क्लच पैर से दबाते हैं तो उसका पूरा ताकत इस पर आता है, तो ये फ्री होगा तो अच्छे से हाउसिंग को ऑपरेट करेगा और ये हाउसिंग को इस तरह ऑपरेट करेगा, ऐसे ही ऑपरेट करेगा ये ऐसे। और इसमें भी बहुत जंग लग गया था, इसको भी हमने ऑयल लगा के अच्छे से फ्री कर दिया। देखो, ये अपने आप ही ऐसे ये दोनों बेरिंग ऐसे ही फ्री रहेंगे तो ही ये दोनों ऐसे ऑपरेट होंगे और ऐसे ऑपरेट होने के कारण वो फिंगर को अच्छी तरह दबाएंगे और ये दोनों साथ में ऐसे ऑपरेट होने चाहिए और अलग से देखो ऐसे ऑपरेट होने चाहिए ताकि दोनों फिंगर को दबा सके। क्लच के दो जो ड्यूअल क्लच है वो दोनों क्लच का सेटिंग होता है उसके हिसाब से ड्यूअल क्लच, ऐसे ये मेन है और ये पीटीओ है। ये दो क्लच पेट है, उसके ये फिंगर है, दोनों के अलग अलग फिंगर है, इसके हिसाब से दो अलग अलग बेरिंग है और वो दोनों बेरिंग के हिसाब से दोनों क्लच अलग अलग से वर्क करते हैं। अब हम इस पूरे ट्रैक्टर को अच्छी तरह सेटिंग करके
दोनों भाग सही से चिपका देंगे और उसके बाद हम इसका क्लच का सेटिंग करेंगे और फिर इसका ट्राई लेंगे। ये दोनों भाग साथ जोड़ने के साथ दोस्तों बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और इसका बोल्ट दोनों अच्छी तरह से फिट हो जाए, दोनों तरफ से उसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पूरा ट्रैक्टर यह बीच में से अलग किया हुआ था, इसलिए उसको अच्छे से फिट करना पड़ता है, नहीं तो ये इसका एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इसलिए इसके सभी बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट करना चाहिए दोस्तों, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका टोटली पाइप और एक्सेसरी लगने के बाद हमने इसका जो टेस्ट लिया तो ये क्लच अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों। हमने पहले इसके मैन्युअली टेस्ट किया था, बाद में उसको हमने इंजन स्टार्ट करके टेस्ट किया, क्योंकि दोस्तों जब क्लच पेट का काम करो तो पहले उसको मैन्युअली टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका टेस्ट ना करो तो कुछ नुकसान होने का दिक्कत रहता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे। इसको हम ब्रेक शॉट दबाने के बाद हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे और देखेंगे कि इंजन को लोड ले रहा है। अगर इंजन को लोड पड़ रहा है तो समझना है दोस्तों क्लच बढ़िया काम कर रहा है, और अगर इंजन फ्रेमे रहे तो समझो कि क्लच पूरा काम नहीं कर रहा है। तो जब हम क्लच पे पावर देते हैं तो इंजन थोड़ा लोड ले रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।